My dear children, good morning. Class 9, exercise 2I. Find the factors of the polynomials of the following polynomials by splitting the middle term. इस एक्सरसाइज का सम्स नंबर फर्स्ट 2x² प्लस 9x प्लस 9. सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 2. अब इसके ऐसे दो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिनको ऐड करने से इसके इक्वल आ जाए या डिफरेंस इसके इक्वल आ जाए. तो इसमें हम बनाएंगे 6 × 3. x² प्लस 6x प्लस 3 × x प्लस 9. 2x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9. प्रथम दो पदों का ग्रुप एक साथ कर लिया और लास्ट के दो पदों का एक ग्रुप बना लिया. अब यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कॉमन है 2x. 2x से इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा. यहाँ पर प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 3. अब पूरे में कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 3. इस तरह से कॉमन लेना आपने पहले भी सीखा है, उसी तरह से करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, थ्री x³ माइनस x² माइनस 10x. यहां पर आप देख रहे हैं पूरे व्यंजक में x कॉमन है, x कॉमन पहले ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x² माइनस x माइनस 10. अब इसके फैक्टर्स इसी प्रकार से निकालेंगे, x पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 3 30 आ गया. और फिर इसके दो ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करिए इसके जो गुणांक है 1 उसके बराबर लाएंगे, तो यहाँ पर दो फैक्टर हो जाएंगे 6 × 5, इसका मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर, और इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस 1 के बराबर आ जाएगा. थ्री x² माइनस 6 माइनस 5
इंटू एक्स माइनस टेन एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स, इस पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन हो गया थ्री एक्स, बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ पर फाइव कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक्स एक्स माइनस टू थ्री एक्स प्लस फाइव क्वेश्चन नंबर फोर अंडर रूट थ्री वाई स्क्वायर प्लस इलेवन वाई प्लस सिक्स अंडर रूट थ्री। अब यहां पर क्या है कि जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसमें अंडर रूट लगा हुआ है, जिस तरह से आपने पहले किया उसी तरह से इसका भी करेंगे, या अंडर रूट आया है इसका देखिए किस प्रकार से कर लेंगे। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का इसमें कांस्टेंट टर्म में पहले मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स अंडर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एटीन, रूट थ्री का रूट थ्री में मल्टीप्लाई करने पर थ्री आएगा और थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया। अब इसके दो ऐसे फैक्टर सिलेक्ट करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 11 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर हमारे बन जाएंगे फैक्टर्स 9 इंटू टू, 9 और 2 को ऐड करने पर 11 प्राप्त हो जाएगा। अंडर रूट 3 वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 अंडर रूट 3। अच्छा यहाँ पर ये पार्ट को टू पार्ट्स में चेंज करके लिखेंगे 9 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 वाई स्क्वायर, वाई का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 9y प्लस 2y प्लस 6 रूट 3, इस पे कॉमन ले लीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं कॉमन है केवल 2, आपने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहां y प्लस 3 रूट 3। अब यहां पर भी इस प्रकार से आप कॉमन लीजिए कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो इसके इक्वल आए, तो आप यहां देखिए वाई है तो यहां वाई बचना चाहिए, इसलिए हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 3 वाई। अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो वाई बचेगा प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, कैसे बचेगा ये आप समझ लीजिए, 9y में भाग देना है इससे अंडर रूट 3 वाई, वाई वाई कैंसिल होगी, इसको आप देख सकते हो 3 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ये कट गया,
बचा कितना, 3 अंडर नोड 3 यहां पर आ गए, y प्लस 3 अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट 3 इंटू वाई प्लस 2 क्वेश्चन नंबर 5 3 ए प्लस बी माइनस 5 ए प्लस बी प्लस 2 यहां पर क्या करेंगे, इसको मान लेते लेट ए प्लस बी इक्वल टू पी, थ्री ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस बी प्लस 2। अब इसके प्लेस पर p रख देंगे, 3p² - 5p + 2। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। अब 6 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग या अंतर 5 के बराबर आए, तो इसके दो फैक्टर 6 × 1 हो जाएंगे, 3p² - 6 - 1। 6 में 1 लेस करने पर 5 प्राप्त हो रहा, प्लस 2 3p² - 6p + p + 2। यहाँ पर सेम फैक्टर नहीं प्राप्त होंगे, तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 3 × 2 3 × 2 = 5 हो जाएगा, 3 + 2 3p - 2p 3p p - 1 और यहां पर कॉमन हो गया 2p - 1। अब पूरे में कॉमन हो जाएगा p - 1 कॉमन, और यहां पर बचेगा 3p - 2। अब p की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, p की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा a + b - 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 a + b - 2। पुटिंग the value of p, a + b - 1, यहाँ पर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a + 3b - 2।
उसके आगे फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 14 एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपॉन ए इंटू एक्स माइनस वन इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस वन अपॉन ए इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पर कॉमन लेंगे कॉमन प्राप्त हुआ एक्स एक्स माइनस ए आ गया यहाँ पर अब यहाँ पर भी इस प्रकार से कॉमन लीजिए कि कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट्स में वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आनी चाहिए आप यहाँ देख रहे हो वन अपॉन ए इंटू एक्स है तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा वन अपॉन ए लेकिन यहाँ पर ए नहीं है तो इसमें आप ए अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए अपॉन ए इसको अगर आप काटोगे तो ये टोटल वैल्यू वन के बराबर ही है तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई अब हमें कॉमन वन अपॉन ए मिल गया एक्स माइनस यहाँ से वन अपॉन ए कॉमन में चला गया तो बचेगा क्यों ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस वन अपॉन ए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट अब क्या करेंगे यहाँ पर इसका फैक्टर करने के लिए पहले इसको आप मान लेंगे लेट x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू पी हमने इसको p के इक्वल मान लिया अब इसके बाद क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर यहां पी स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर इसको हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तोड़ दिया ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस टू बचा इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू इसकी सहायता से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली अब इसके आगे क्या करेंगे इसको नोट कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट, इसके प्लेस पर ये रख देंगे पी स्क्वायर प्लस टू माइनस सेवन और इसकी वैल्यू है पी प्लस एट, पी स्क्वायर ये और ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस टेन। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे, पी स्क्वायर टेन के फैक्टर हो जाएंगे फाइव इंटू टू माइनस फाइव प्लस टू इंटू पी प्लस एन। पी स्क्वायर माइनस फाइव पी माइनस टू पी प्लस टेन, पी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट हट गया, ग्रुप बना लिए, पी कॉमन है, पी माइनस फाइव फाइव अंदर, यहाँ माइनस टू कॉमन है, पी माइनस फाइव आ गया, पी माइनस फाइव कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में पी माइनस टू आ गया, फैक्टर हो गए। अब आप पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इस प्रकार से इसके फैक्टर हमें प्राप्त हुए ये। क्वेश्चन नंबर 17, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री बी इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व ए बी, इस यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बी एक्स माइनस ट्वेल्व ए बी, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इस पे कॉमन हो गया ए एक्स, बचेगा एक्स और इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा फोर ए, यहाँ पर माइनस थ्री बी कॉमन एक्स बचेगा,
माइनस कॉमन लिया, इसलिए ये साइन अंदर जाने पर प्लस हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करने पर 4a आ जाएगा। x प्लस 4a कॉमन हो गया, ax माइनस 3b, ये दूसरा दूसरे ब्रैकेट में प्राप्त हुई वैल्यू। इस प्रकार से इसके दो फैक्टर्स प्राप्त हुए, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2i के सवाल आपको बताए गए। शेष जो सवाल छूटे हैं वो जिस तरह से आपको ये सवाल कराए गए हैं उसी तरह से करना है, तो उन बचे हुए सवालों को आप घर पर स्वयं करें। धन्यवाद।